का स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति, आइए देखते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस। उत्तराखंड से हटा राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य कैबिनेट की बुलाई बैठक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस सरकार की वापसी। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्य को फटकार, कहा सूखा घोषित करने के लिए तय हो समय सीमा। राष्ट्रीय नीति के साथ राहत आपदा कोष बनाने का आदेश। सरकारी कामकाज में न्यायपालिका के बढ़ते दखल पर वित्त मंत्री ने जताई चिंता, कहा सरकार बजट और टैक्स वसूलने तक रह गई है सीमित। जीएसटी पर जजों की समिति बनाने की कांग्रेस की मांग खारिज। राज्यसभा से बुधवार को वित्त और विनियोग समेत 5 विधेयकों को मंजूरी। 180 दिन में दिवालियापन से जुड़ा मामला निपटाने वाला बिल पारित। लोकसभा 2 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विजय माल्या पर शिकंजा सख्त, 9000 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा प्रवर्तन निदेशालय। अचल संपत्तियों की खोजबीन और मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से जारी सियासी संकट खत्म हो गया है। बुधवार रात राज्य से राष्ट्रपति शासन हट गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया गया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की जानकारी दी। इससे पहले अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के कानूनी पहलू पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हरीश रावत फिर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। हरीश रावत ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक देहरादून में अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण के नतीजों का ऐलान किया। शीर्ष अदालत ने हरीश रावत के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के मुताबिक हरीश रावत को 61 में से 33 वोट मिले हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट में राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की बात कही। इसके साथ ही हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। देहरादून में जश्न मना रहे ये कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य में कांग्रेस सरकार की बहाली से बेहद खुश हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण के नतीजों का बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक ऐलान किया। कोर्ट ने पाया कि कांग्रेस के पक्ष में 61 में से 33 वोट पड़े हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि हरीश रावत राष्ट्रपति शासन हटने के बाद बतौर मुख्यमंत्री काम कर सकते हैं। लिफाफा खुलने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर डिक्टेट किया है। उस ऑर्डर डिक्टेट करने में ये बात आई है कि 33 वोट जो है वो मिस्टर हरीश रावत के फेवर में पड़े थे, 28 वोट जो है वो मिस्टर हरीश रावत के अगेंस्ट पड़े थे। हरीश रावत ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वो पुरानी बातें भूलकर केंद्र के साथ मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए काम करने को तैयार हैं। एक विकसित उत्तराखंड बनाने का जो केंद्र का लक्ष्य है, उस लक्ष्य में एक प्रबल सहयोगी के तौर पर एक डिटरमाइंड पार्टनर के रूप में उनका सहयोग करेंगे, मैं उनको आश्वस्त करूंगा। इस बीच केंद्र सरकार ने फ्लोर टेस्ट के नतीजों से पहले ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला कर लिया। वहाँ जो नतीजा निकाला उसके हिसाब से केंद्र मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन वहाँ समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने के लिए निर्णय लिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि फ्लोर टेस्ट के नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में हो, लेकिन ये जनता का बहुमत नहीं है। कांग्रेस ने बहुमत को खरीदा है, कांग्रेस को बहुमत वहां मिला नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता के बहुमत को खोया है। कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड में करीब 2 महीने से जारी सियासी संकट सुलझ गया है। अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले हरीश रावत को मिली इस जीत ने कांग्रेस में नया जोश भर दिया है। नविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इसी मसले पर हम इस समय देहरादून रुख करेंगे, जहां सुभाष गुप्ता स्थानीय पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, पहले का मंत्रिमंडल ही बहाल माना जाएगा, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और किस तरह के फैसले और मंथन आज प्राथमिकता में हो सकता है? प्रीति, मंत्रिमंडल तो पहले का ही बहाल माना जाएगा, लेकिन जैसा टाइम दिया गया था
कैबिनेट होनी थी, पर अभी 9 बज चुके हैं और कैबिनेट अभी शुरू नहीं हुई है, तो उम्मीद है कि कुछ देर बाद ये कैबिनेट शुरू हो जाएगी। और जहां तक फैसलों की बात है, इससे पहले रावत कैबिनेट की बैठक अप्रैल में 2 बार हुई थी, जब इन्होंने एकदम मुख्यमंत्री के रूप में चार्ज ले लिया था हाईकोर्ट के फैसले के बाद। अब 20 और 21 अप्रैल को जो बैठक हुई थी उनमें जो भी फैसले हुए थे उनकी चूंकि पुष्टि नहीं हो पाई थी तो वो विधिक तौर पर शून्य मान लिए गए थे। तो आज संभावना ये है कि सबसे पहले उन फैसलों को जो बड़ा लोक रुचिकर किस्म के थे, जनहितकारी थे, पेंशन बढ़ाने का, कुछ लोगों को सेवा में लेने का, कुछ लोगों को भूमि पर देने का, तो उन फैसलों पुराने फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है। प्रीति जी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आगे की खबरों का रुख करते हैं। राज्यसभा ने बुधवार को मिसाल कायम करते हुए 5 विधेयकों को मंजूरी दे दी। हाल के दिनों में महत्वपूर्ण बिलों को अटकाने के लिए ऊपरी सदन की आलोचना हो रही थी, लेकिन कल भोजनावकाश के बाद राज्यसभा ने सबसे पहले राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया। इसके बाद वित्त और विनियोग विधेयक पर करीब 4 घंटे की चर्चा के बाद इन्हें लोकसभा को वापस भेज दिया गया। इसके अलावा सदन ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड और भारतीय न्यास संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी। राज्यसभा में आम बजट से जुड़े वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने जीएसटी को देश की तरक्की के लिए जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से जीएसटी पर संशोधनों के बारे में फिर से विचार करने की बात कही। जीएसटी में 18% की अधिकतम सीमा को संविधान में शामिल करने की कांग्रेस की मांग को भी जेटली ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर संविधान में बार बार बदलाव करना बेहद कठिन होगा। कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की समिति बनाने की मांग की है। इसे भी वित्त मंत्री ने नहीं माना। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के मामले को केंद्र और राज्यों को आपस में सुलझाना चाहिए, इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप कार्यपालिका के लिए ठीक नहीं होगा। आर कैपेसिटी एट रिफॉर्मिंग आवरसेल्व्स ब्रिंगिंग मेजर टैक्स रिफॉर्म्स एंड एवरी स्टेट हैज अग्रीड एंड देयरफॉर प्लीज रीकंसीडर योर पोजीशन। I have no difficulty with the 18%, but putting an 18% cap in the constitution itself and surrendering parliamentary and state legislature's jurisdiction on taxation to a judge to decide, I think the last of the powers left with the courts, with the legislature itself would always be surrendered. अब कंपनियों के दिवालियापन से जुड़े मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाया जा सकेगा। राज्यसभा ने कल इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 को पारित कर दिया। लोकसभा इस संहिता को 5 मार्च को ही मंजूरी दे चुकी है। इसमें मामलों को निपटाने के लिए 180 दिनों की समय सीमा रखी गई है, जिसे 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दिवालिया कंपनी की परिसंपत्तियों को जब्त करने और बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, इससे कर्मचारी के हितों की सुरक्षा होगी, साथ ही निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 16वीं लोकसभा के 8वें सत्र की अवधि शुक्रवार तक थी, लेकिन इसे 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। 3 हफ्ते के सत्र में वित्तीय कामकाज समेत 10 विधेयक पारित किए गए। 25 अप्रैल से शुरू हुए सत्र के दौरान 13 बैठकें हुई। इस दौरान 92 घंटे और 21 मिनट काम हुआ। सत्र के दौरान कामकाज सुचारू रूप से हुआ और अवरोध की वजह से कार्यवाही स्थगित नहीं करनी पड़ी। समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ने इसके लिए पूरे सदन को धन्यवाद दिया। सिंस द फर्स्ट सेशन इन व्हिच हाउस वाज नॉट एडजोर्न्ड इवन फॉर ए सिंगल मिनट ड्यू टू इंटरप्शन, आज का इंसिडेंट छोड़ो, ड्यू टू इंटरप्शन, एंड आई थैंक द एंटायर हाउस for cooperation extended to the chair. कॉल ड्रॉप पर जुर्माना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्राई का फैसला मनमाना और गैर पारदर्शी है। उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में हाई कोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया है। कॉल ड्रॉप मामले पर टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने ट्राई के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कंपनियों को कॉल ड्रॉप एवज में उपभोक्ताओं को मुआवजा देने को कहा गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्राई का आदेश मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया। In terms of which telecom operators were going to be charged for call drops,
They've struck down the regulation as being ultra virus, unreasonable, and manifestly arbitrary. That's the judgment of the court. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर मोबाइल सेवा देना टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी है और बेहतर नेटवर्क बनाने के लिए सरकार टेलीकॉम कंपनियों को हर मुमकिन मदद देगी। ये ट्राई का विषय था, इसमें आगे जो कुछ भी करने की आवश्यकता होगी वो हम करेंगे, ट्राई से चर्चा करके, और जो ट्राई को करना होगी ट्राई करेंगे। अच्छी मोबाइल सेवा देना उनका काम है और ये काम उनको करना पड़ेगा, और ये काम वो ठीक ठाक करें इसकी ओर से सरकार से जितना भी आग्रह होगा वो आग्रह किया जाएगा। ट्राई ने अक्टूबर 2015 को निर्देश जारी किया था कि मोबाइल सर्विस कंपनियां कॉल ड्रॉप होने की दशा में एक रुपया उपभोक्ता को बतौर मुआवजा देगी, जो अधिकतम एक दिन में 3 रुपया हो सकता है, जिसे टेलीकॉम कंपनियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी ट्राई के पक्ष में कहा था कि कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों को 1 जनवरी 2016 से मुआवजा देना होगा, जिसके बाद कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। नव विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति वारंट पर बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दस्तखत कर दिए। पीटीआई के मुताबिक ये चारों जज शुक्रवार को शपथ लेंगे। सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश एएम खानविलकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अशोक भूषण के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एल नागेश्वर राव के नाम भेजे थे, जिन्हें राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। कानून मंत्रालय आज इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर सकता है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने इन 4 जजों की नियुक्ति की पुष्टि की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति आर एल हंगलू ने सरकार पर कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेताओं की दखलंदाजी इसी तरह चलती रही तो विश्वविद्यालय को खोया रुतबा कभी नहीं मिल पाएगा। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बुधवार को कुलपति ने सरकार पर कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेताओं की दखलंदाजी इसी तरह चलती रही तो विश्वविद्यालय को खोया हुआ रुतबा कभी नहीं मिल पाएगा। इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंस्टीट्यूशन की है, जिसको हम रीइंफोर्स करना चाहते थे, वो कंप्लीटली इरोड हो गई है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय का माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसे सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने ज़रूरी हैं। वहाँ पे गुंडागर्दी, वहाँ पे जो राजनीति है बहुत ही नीचे स्तर की हो चुकी है, और वो सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ कड़ाई से काम हो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिस लिए वो मानी जाती थी, उसका सम्मान होता था, वो सम्मान उसको फिर से मिले। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग की है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा मानव संसाधन मंत्रालय में कहीं सुधार आया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी ने जिस तरह कहा है, यहाँ तक इस्तीफा देने की बात थी, वो गंभीर मामला है। तो मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और मानव संसाधन मंत्रालय पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए ऑफलाइन एंट्रेंस की मांग को लेकर उथल पुथल जारी है। छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह अन्य पदाधिकारियों समेत विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ अनशन पर भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखेंगे। फ्रांस में श्रम सुधार कानून का भारी विरोध, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। आवाज की खनक। मुझे अभी तक लगता है म्यूजिक इज स्टिल माय हॉबी। मैं अभी तक खुशी से गाती हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे म्यूजिक के जरिए कुछ प्रूव करना है। गायकी की दुनिया में एक खूबसूरत मिसाल। तो मुझे जो भी कहना था मुझे म्यूजिक के जरिए कहना था। सो सखी वाज अ ऑब्वियस थिंग दैट हैड टू हैपन। मिली शख्सियत ने कौशिकी चक्रवर्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब खबर सूखे और जल संकट की। दे
देश में सूखे के हालात पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत स्पेशल फोर्स बनाने का आदेश दिया है। साथ ही सूखा प्रबंधन नियमावली की समीक्षा करने को कहा है। कोर्ट ने सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए आपदा राहत कोष के गठन का आदेश दिया है। सूखे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कई अहम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए और सरकार सूखा राहत के लिए अलग से फंड बनाए। कोर्ट ने सूखा राहत मैनुअल की समीक्षा करने और सूखा घोषित करने के लिए समय सीमा तय करने को कहा है। राज्यों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को वैज्ञानिक तरीका अपनाने को कहा है। दो इट रिक्वायर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप अ डिजास्टर रिलीफ फोर्स दैट हैज आल्सो नॉट बीन सेट अप फॉर ड्राउट एंड दो इट रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर ड्राउट एज वेल even that plan has not been made by the central government and it has directed the central government to do all these things. कोर्ट ने कृषि मंत्रालय को सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए बिहार, गुजरात और हरियाणा के मुख्य सचिवों के साथ एक सप्ताह में बैठक लेने के लिए भी कहा है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वो सूखे को लेकर बेहद गंभीर है और प्रधानमंत्री की निगरानी में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील हैं। वो खुद मुख्यमंत्रियों से जिन राज्यों में सूखे की समस्या है उनसे बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को जितनी भी मदद की जरूरत है केंद्र सरकार मुहैया करा रही है और भरपूर मदद मुहैया कराएगी। स्वराज अभियान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपील की गई है कि 12 राज्य सूखे की चपेट में हैं। ऐसे में राज्यों के साथ केंद्र सरकार को भी स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए जाएं। मंगलवार को संसद में ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया था कि देश की 25% से ज्यादा आबादी सूखे के संकट से पीड़ित है और केंद्र सरकार सूखा पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद दे रही है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में देश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज देने और गंभीर पेयजल संकट का स्थायी समाधान निकालने की मांग उठी। कई सांसदों ने सरकार से नदियों को जोड़ने की दिशा में ठोस पहल और किसानों का कर्ज माफ किए जाने की मांग की। चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि हालात से निपटने के लिए राज्यों को पूरी मदद दी जा रही है। लोकसभा में बुधवार को भी सूखे और जल संकट से निपटने और जल प्रबंधन के विषय पर चर्चा हुई। बहस का जवाब देते हुए कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि सरकार अब 50 की जगह 33% फसल नुकसान पर भी किसानों को मदद दे रही है। यदि 33% तक भी नुकसान होता है तो उन्हें सहायता दी जाएगी। ये मोदी सरकार में आने के बाद ये परिवर्तन किया और एक हेक्टेयर के बदले 2 हेक्टेयर तक भी अगर नुकसान होता है यानी 5 एकड़ तक तो भी नुकसान उसको राहत दिया जाएगा। ये इससे पहले बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने कहा कि सरकार को किसानों का कर्ज तुरंत माफ करना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी पीने का मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर्जा माफ करेंगे? आज स्थिति ऐसी बनी है, इस तरफ जो और मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो पूरा तरह से महाराष्ट्र लगा हुआ है, वहाँ पे रोजगार भी नहीं है, न नरेगा का काम चल रहा है, न पानी। टीआरएस सांसद के कविता ने सूखा प्रबंधन नियमावली की समीक्षा करने का सुझाव दिया और केंद्र की ओर से तेलंगाना के लिए बकाया राशि जारी करने की मांग की। आरजेडी सांसद राजेश रंजन ने जल प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई। हमारे तेलंगाना के बारे में तो आपको मालूम है, बहुत ही कम इस बार बारिश हुआ है, 14% रेन कम हुआ है सर, उसमें सिर्फ 712 करोड़ ही रिलीज आपने किया है सर, तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज टू रिलीज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट आल्सो सर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की कर्ज माफी पर राज्यों की ओर से भी कदम उठाने की जरूरत बताई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सूखे से जूझ रहे बांदा में खेती बाड़ी तबाह हो चुकी है। सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकार राहत के बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन उन तक मुआवजा या राहत नहीं पहुंच पा रही है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। अतरहट गांव के भूरा विश्वकर्मा की फसल बेमौसम बारिश से तबाह हो गई। मदद के नाम पर इन्हें और इनके भाई को 750 रुपए के 2 चेक दिए गए लेकिन वो भी पुरानी तारीख के। अब ये लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से मुझे कुछ नहीं मिला, सूखा राहत आया था
तो कहा गया कि मिलेगा आपके खाते में आ जाएगा, मेरे खाते में कोई भी पैसा नहीं आया, न मुझको एक चेक दी गई है जो आज भी मेरे पास रखी है मौजूद, वो भी 700 रुपये की है, तो वो मैं बैंक में गए, बैंक वालों ने मुझको वापस कर दिया। यहाँ अरहर की अच्छी फसल होती रही है, अरहर भले ही 200 रुपये किलो पहुँच गई हो, लेकिन पानी की कमी से जो अरहर हुई है वो 20 रुपये किलो में भी नहीं बिक रही। अरहर को कुछ नहीं कर रही है और फसल में कुछ ठिकाना है ही नहीं है, गेहूँ जो बहुत सारा आएगा वो मैं नहीं कुछ निकल रहा, 2 क्विंटल का दीघा का क्विंटल भर के गिरे थे। बांदा जिले की 15 लाख की आबादी सूखे की चपेट में है, लोग सरकारी मदद से भी नाखुश हैं। हमको सरकार कोई मुआवजा नहीं मिला, लेखपाल हमारा नंबर ले गया, वहाँ बोलता है कि हर बार जो बोलते हैं कि सर पैसा नहीं हमारे खाते में गया, तो कहता है कि तुम्हारे खाते में मैंने भेज दिया। अच्छा, हाँ वो सर हमको पैसे ही नहीं मिलता, हम कई बार सर दौड़ दौड़ के हम गए। सूखे से निपटने और किसानों तक राहत पहुँचाने के लिए प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन किसानों की बदहाली देखते हुए ये मदद नाकाफी साबित हो रही है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा TV, बांदा। कुछ और अहम खबरें। किंगफिशर के बालक विजय माल्या के ऊपर शिकंजा सख्त किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय माल्या की करीब 9000 करोड़ रुपए की संपत्ति और शेयर जब्त करेगा। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग और IDBI बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में माल्या की देश भर में फैली संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इन संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत कुर्क किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि इस मामले में सभी को सूचना दी जा रही है। जिन संपत्तियों को कुर्क किया जाना है उनमें विजय माल्या के बंगले, महंगी कारें, बैंक खाते शामिल हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने माल्या के निर्वासन की मांग को खारिज कर दिया है और भारत से प्रत्यर्पण के लिए कोशिश करने की बात कही गई थी। इराक की राजधानी बगदाद में बुधवार को एक के बाद एक 3 कार बम धमाकों में कम से कम 94 लोग मारे गए। ये विस्फोट शहर के सदर सिटी इलाके के एक व्यस्त बाजार में हुए। इस आतंकी हमले में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मरने वालों में औरतें और बच्चे शामिल हैं। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। जिस जगह धमाके हुए वो शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र का प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। इस घटना को राजधानी बगदाद में इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। फ्रांस में श्रम सुधार कानून का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस कानून से नाराज विपक्ष में संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इसके खिलाफ फ्रांस में पिछले 2 महीने से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इस बीच सरकार ने इस कानून को संसद से पारित करने के बजाय मंगलवार को डिक्री के जरिए लागू कर दिया। नए कानून के तहत फ्रांस की सरकार श्रम कानूनों को आसान कर दिया गया है। इनके तहत किसी को भी आसानी से नौकरी से निकाला जा सकता है और उद्योगों में काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग चलाने के मुद्दे पर आज सीनेट में वोटिंग होनी है। सीनेट में प्रस्ताव को पारित करने के लिए कुल 81 में से 41 सदस्यों के वोट की जरूरत है। इससे पहले संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। आज अगर प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने की अवधि के लिए निलंबित करके उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति माइकल तेमेर को कार्यभार सौंप दिया जाएगा। महाभियोग की कार्रवाई पूरी होने में 6 महीने लग सकते हैं। इस बीच संसद के बाहर डिल्मा रूसेफ के विरोध और समर्थन में प्रदर्शन जारी हैं। बुधवार को संसद के बाहर डिल्मा के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को डिफेंस ट्रेड सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके जरिए अमेरिकी कंपनियों को कारोबारी सुरक्षा देने के अलावा तकनीक और कंप्यूटर डेटा की चोरी और नकल से होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश माना जा रहा है। इस कानून को पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस ने पारित किया था। 2013 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक बौद्धिक संपदा की चोरी और तकनीक की अवैध नकल के चलते अमेरिकी कंपनियों को हर साल करीब 30,000 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। एप्पल, बोइंग और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां इस कानून की लंबे समय से मांग कर रही थी। इसका असर सबसे ज्यादा चीन जैसे देशों पर पड़ेगा। One of the biggest advantages that we've got
in this global economy is that we innovate. We come up with new services, new goods, new products, new technologies. Unfortunately, all too often, some of our competitors, instead of competing with us fairly, are trying to steal these trade secrets from American companies. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल बेलारूस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बेलारूस के नेशनल असेंबली के चेयरमैन डॉ. मिखाइल यास्निकोविच ने किया। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तराखंड से हटा राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य कैबिनेट की बुलाई बैठक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस सरकार की वापसी। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्यों को फटकार, कहा सूखा घोषित करने के लिए तय हो समय सीमा, राष्ट्रीय नीति के साथ राहत आपदा कोष बनाने का आदेश। सरकारी कामकाज में न्यायपालिका के बढ़ते दखल पर वित्त मंत्री ने जताई चिंता, कहा सरकार बजट और टैक्स वसूलने तक रह गई है सीमित, जीएसटी पर जजों की समिति बनाने की कांग्रेस की मांग खारिज। राज्यसभा से बुधवार को वित्त और विनियोग समेत 5 विधेयकों को मंजूरी, 180 दिन में दिवालियापन से जुड़ा मामला निपटाने वाला बिल पारित, लोकसभा 2 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विजय माल्या पर शिकंजा सख्त, 9000 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगा प्रवर्तन निदेशालय, अचल संपत्तियों की खोजबीन और मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।